सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ की अपडेट के बारे में। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसके आईपीओ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट को समझ लेते हैं। देखिए, यहां पर बताया गया है कि टाटा मोटर्स इज प्लानिंग टू पब्लिकली लिस्ट इट्स ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सर्विसेज सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यानी कि टाटा मोटर्स जो कंपनी है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अब यह अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेस करने के बारे में विचार कर रहे हैं और जल्दी ही आपको इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो मार्केट में गिरावट चल रही है, उसके पहले टाटा के जितने भी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, काफी बढ़िया ग्रोथ उसमें देखने को मिली थी। चाहे आप टाटा स्टील को ले लीजिए, चाहे टाटा पावर को ले लीजिए या फिर और भी जितने टाटा के शेयर्स हैं, सभी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी और निवेशकों को बढ़िया यहां पर रिटर्न्स मिलता हुआ नजर आया था। और अब देखिए, एक बार फिर टाटा ग्रुप का एक और शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के लिए एकदम तैयार है और यहां पर आपको टाटा के आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। अब देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी है टाटा ग्रीन एनर्जी, उसका भी आईपीओ मार्केट में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर अपडेट आएगी तो उसकी अपडेट की जानकारी मैं भी आपको दूंगा, लेकिन अभी यहां पर टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का काफी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है और यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी जो सब्सिडरी है उसका आईपीओ मार्केट में देखने को मिल सकता है और उस आईपीओ के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं और जो बैंकर्स हैं, जो बैंकर्स अपॉइंट करना होते हैं, वो भी अपॉइंट करना यहां पर स्टार्ट हो गया है। यानी कि कह सकते हैं कि इस साल के लास्ट तक या फिर जो अगले साल के शुरुआत में इसका आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। आगे यहां पर बताया गया है कि जो टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं उसका जो लास्ट आईपीओ है वो करीब 18 साल पहले मार्केट में देखने को मिला था, जो कि TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से मार्केट में लिस्ट हुआ था और देखिए जबरदस्त यहां पर स्टॉक है और जबरदस्त रिटर्न लोगों को यहां पर मिला है और लोगों ने यहां पर काफी ज्यादा पैसा इसके जो है बाईबैक से भी कमाया है। और देखिए, यहां पर 5500 करोड़ के आसपास का ये इशू आज से करीब 18 साल पहले यानी 2004 में लाया गया था और उसके बाद ये पहला मौका होगा जब किसी टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ मार्केट में देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये आईपीओ अगर आता है तो हमें टाटा की किसी आईपीओ में पैसा लगाने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही साथ पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, आपको कैसा लगा, या अगर ये आईपीओ आता है तो आपको कैसा लगेगा, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।